हेलो एवरीवन, अभी हम पैरेलल सर्किट में पैरेलल रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर के बारे में बैंडविड्थ के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। क्वालिटी फैक्टर पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है? सीरीज रेजोनेंस में भी वही होता है, 2 पाई इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन वन पीरियड ऑफ साइकिल, एक साइकिल में एट रेजोनेंस। ठीक है, एट रेजोनेंस एक साइकिल में कितनी एनर्जी आपके डिसिपेट हुई है, वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एक साइकिल में, एक साइकिल के दौरान कितनी एनर्जी आपके डिसिपेट हुई है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। सीरीज रेजोनेंस में हम याद करते हैं तो हमने क्या देखा था, क्यू इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी, यहां क्या हो जाएगा आई एल अपॉन आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एल अपॉन आई विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई सी अपॉन आई। यहां हम करंट की बात करते हैं क्योंकि पैरेलल में होता है करंट डिफरेंट डिफरेंट, वहां हम वोल्टेज की बात करते हैं क्योंकि सीरीज में होता है वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ वोल्टेज सेम रहता है इसलिए हम वोल्टेजेस अलग अलग नहीं बोल सकते, करंट अलग अलग होते हैं इसलिए यहाँ पे हम करें। ये जो आई रहेगा ये क्या है, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, आई एट रेजोनेंस, यहां पर भी आई एट रेजोनेंस। ठीक, एक और चीज है, इसको मैं किस तरह से और लिख सकती हूँ, आई एल को मैं क्या लिख सकती हूँ, V by XL लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। I को क्या लिख सकती हूँ, V by R लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, R by XL which is equal to R by ओमेगा L। ये ओमेगा कौन सा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये एक रिलेशन आपको ये मिल गया, Q is equal to R by ओमेगा। सिमिलरली Q is equal to R by 1 by under root LC into L। Omega की वैल्यू क्या है, omega not हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था तो क्या निकला था, 1 upon under root LC, यहाँ omega not की वैल्यू मैंने इस पे सब्सटीट्यूट कर दी तो मुझे क्या मिला, 1 by omega under root of LC into L। तो ये क्या हो जाता है, which is equal to R into under root of C by L। तो quality factor in terms of RLC parameters क्या आ जाता है, वहां क्या था 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, यहाँ क्या है आर इंटू अंडर रूट सी बाय एल। ठीक, यहां से अगर मैं देखती हूं क्यू इज इक्वल टू क्या है, आई सी बाय आई है एट रेजोनेंस। ठीक, इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ वी बाय एक्स सी डिवाइडेड बाय वी बाय आर। एक्स सी क्या होता है, एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, और दिस इज इक्वल टू आर बाय एक्स सी। ठीक, या फिर क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर इंटू सी, ये इन टर्म्स ऑफ आर सी एंड ओमेगा नॉट, ये इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट एंड आर। ठीक, ये जो है इनके रिलेशन है, क्यू के आपके पास तीन रिलेशन आ जाते हैं, आर बाय ओमेगा एल, ओमेगा आर सी एंड आर इंटू अंडर रूट सी बाय एल इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। ठीक, तो पैरेलल रेजोनेंस किस टाइप का सर्किट होता है, रिजेक्टर सर्किट होता है, क्वालिटी फैक्टर वहां पे ये हम फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक, ये हमने देखा था क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या होता है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, वो आपकी होती है बैंडविड्थ, जो कि कितनी आती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इस केस में जो पैरेलल रेजोनेंस के केस में निकल के आती है वो आपकी ये रहती है। जब आप सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आर का रेसिप्रोकल आपका 1 बाय आर हो चुका है, एल का एल का इक्विवेलेंट हो चुका है आपका सी। ये पैरेलल सर्किट है तो इसलिए थोड़ा सा आप उसको रिलेट कर सकते हैं सीरीज सर्किट से, तो आप देख रहे हैं कि जहां पर आर था वहां 1 बाय आर हो चुका है, जहां एल था वहां सी हो चुका है, टू एज इट इज रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारे एक्सप्रेशन दोनों के निकल के आते हैं। हमारे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेशन क्या आता है, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1 इनटू ओमेगा 2, जो कि पिछले केस में सीरीज रेजोनेंस में भी आपका यही निकल के आया था। सिमिलरली आपका जीटा 1 अपॉन 2 क्यू इस केस में निकल के आता है।